पानी में डूब के डेथ हुई है, वो पुलिस वाले ने ये सब बैरिकेड लगा के रखे और खाली आए इतना भाव स्विमिंग करते हो ना खाली कम कर। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? थंबनेल एंड इंट्रोडक्शन देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग जा रहे हैं सीक्रेट वाटरफॉल। नासिक को जाते हुए ऑन द वे जवाहर शहर आता है और जवाहर के करीब में ये कालमांडवी वाटरफॉल है। सीक्रेट वाटरफॉल इसके लिए उसे लोग बोलते हैं क्योंकि लॉकडाउन से पहले बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में जानते नहीं थे। एंड ये ऐसा वाटरफॉल है जहाँ पे साल के 12 महीने पानी रहता है। फिलहाल मनोहर के यहाँ ब्रिज का काम चल रहा था तो फ्यूचर में नासिक जाने के रास्ते और भी सेफ हो जाएंगे। बस कुछ ही घंटों में जवाहर पहुंचकर सबसे पहले हमने चाय और नाश्ते का मजा उठाया। तो गाइस, बाकियों की तरह हम भी आए थे घूमने के लिए कालमांडवी डबडबा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि कल के दिन यहाँ पे पर्सन की डेथ हुई है पानी में डूब के, तो पुलिस वाले ने ये सब बैरिकेड्स लगा के रखे और आज के दिन कालमांडवी बंद है। और ये बहुत सारे इंसिडेंट यहाँ पे हुए हैं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट। इससे पहले भी जब मैं आया था, बारिश का टाइम था वैसे, उस टाइम पे मैंने सुना था कि लोग दारू पी के आए थे यहाँ पे, उसमें से एक बंदा पानी में डूब रहा था, तो बाकी के दो लोग बचाने आए थे, बट उस पर्सन ने बाकी को भी पानी में खींच लिया और तीन चार खुद डेथ हुए थे। एक और दो तीन साल पहले की बात है। तो गाइस, एज आई सेड, कालमांडवी वाटरफॉल तो बंद है, तो हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए कुछ 2 किलोमीटर आगे आए और नहाने के लिए नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेरी गाड़ी वॉश करने जितना पानी तो है यहाँ पे। सो गाइस, एज आई सेड, कालमांडवी वाटरफॉल यानी सीक्रेट वाटरफॉल बंद था, तो इसके लिए हमने सोचा क्यों ना खड़खड़ डैम चला जाए। और खड़खड़ डैम जाने से पहले एक और है जय सागर डैम, तो हमें लगा था शायद पानी नहीं रहेगा, मगर जय सागर डैम में ना काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो जैसे ही मैंने पानी में एंटर किया, काफ़ी कीचड़ निकल रहे हैं यहाँ से। सो बेस्ट ऑप्शन, आप यहाँ से खड़खड़ डैम ही जाओ अगर सीक्रेट वाटरफॉल बंद रहेगा तो। क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग यहाँ पे आ रहे और निराश होकर रिटर्न जा रहे, लोगों को पता नहीं चल रहा। कितने लोग को हम बता रहे कि भाई सीक्रेट वाटरफॉल बंद है, लेकिन लोग सुन रहे नहीं है, लोग वापस जा रहे ही, मतलब खुद से जाके वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि सच में बंद है या नहीं। और बहुत सारे लोग यार मुंबई से आ रहे, कांदीवली से आए, मलाड से आए और काफ़ी अलग अलग जगह से आए, विरार वसई से भी, और सबको निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है। तो मैंने एक गार्ड से बात किया, उसका नाम अक्षय था, तो अक्षय ने हमको ये बताया कि चार लोग थे, चार लोग में से तीन लोग को तो उन्होंने बचा दिया, बट एक बंदा जिसकी डेथ हो गई और वो लोग नासिक से आए थे। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैं अक्षय का नाम और नंबर दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपका इनके जैसा पोपट नहीं होना चाहिए, आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। तो आप जब भी यहाँ पर अगर आने का प्लान कर रहे हो तो अक्षय का नाम और नंबर दे रहा हूँ, उसे कॉन्टैक्ट करो, पूछो कि वाटरफॉल चालू है या नहीं है, और अगर चालू है तो वहाँ पे जो लाइफ जैकेट प्रोवाइड करते हैं उसके क्या चार्जेस है, नहीं सारे इन्फॉर्मेशन लेके कांटेक्ट करके फिर ही आप आना। अगर आप नरक लिए कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन पे मेंशन करो, मैं फ़ोन करके पूछ के वेरीफाई करके आपको अपडेट कर दूँगा। यहाँ पे नज़दीक में एक और खड़खड़ डैम है, आपको अगर तैरना आता है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप वहाँ पे जाके तैर सकते हो। अगर आपको खड़खड़ डैम के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने जवाहर के बारे में एक और डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। बोलने की ज़रूरत तो नहीं होगी, ये लंगे पुंगे बच्चे यहाँ के लोकल थे। Oh,
फाइनली हम लोग खड़कट डैम पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा और खूबसूरत है खड़कट डैम, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गाइस, खड़कट डैम है ये, और जितना देखने में इजी लगता है ना उतना सिंपल है नहीं। देखो बाजू में ही हूँ मैं अभी भी, और ये इतना डीप है, तो जिसको तैरने नहीं आता उन्हें मैं सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ आने को। अगर आओगे तो प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ आना गाइस।